हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ग्रेट बुद्धा स्टैचू, और वहां से अब मैं निकल चुका हूं। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हो आई बटन को प्रेस करके। तो गाइस, अब यहां से निकल करके मैं आपको आगे की सारी चीजें दिखाता हूँ। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. तो गाइज, आप जैसे ही अंदर ग्रेट बुद्धा स्टैचू से बाहर निकलते हो तो नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है जो मार्केट जैसी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको खरीदने के लिए चीज़ें भी मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे फोर व्हीलर से आते हो तो थोड़ा सा पार्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पार्किंग का कोई अवेलेबल स्पेस नहीं है पार्टिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बाइक से आते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है। तो अभी देख सकते हो सावन का टाइम है, और ये किस तरीके से मतलब ड्रेसअप लोगों के दिख रहे हैं आपको, और ये नज़ारा पूरा देख सकते हो, हरियाली पूरा हर तरफ है। लेकिन थोड़ा गैदरिंग है क्योंकि यहाँ पे कंजस्टेड है थोड़ा सा स्पेस। देखो, फोर व्हीलर आने से ना गाड़ी फंस जाती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर फोर व्हीलर से आते हो तो आप अंदर इंटर करने से पहले, 80 फीट रोड पर आने से पहले, वहाँ पर बस स्टॉप वगैरह है, और पीछे में आपको कई सारी जगह पर पार्किंग वगैरह मिल जाएगा। अगर आप बाइक से आते हो तो मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आकर के आप बाइक को अपने लॉक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो साइड में जैसे ये बाइक लग रहा है ना, उसी तरीके से आप भी अपनी बाइक को सेफ प्लेस देख करके वहाँ पे पार्क कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, देख सकते हो आप। तो ये लेकिन आपके ऊपर होगा, आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर बाइक चोरी होता है तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होगे। और यहाँ पे घोड़ा से राइड करना है या कैमल से राइड करना है, ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। उनके अलग चार्जेस हैं जो मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे जो टेम्पल है ना, वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल हैं। तो अभी ये जो है जिस जगह पर हूँ ना, इसको कहते ही है टेम्पल स्ट्रीट, बिकॉज़ यहाँ पे देख सकते हो कितना खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल है, और हर टेम्पल का अपना एक ख़ास बात होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से पिलर वगैरह एक मतलब सीक्वेंस वे में लगी हुई है, और आज का वेदर भी बिल्कुल कमाल हो रखा है, देख सकते हो आप किस तरीके से खूबसूरती आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये गाइस, यहाँ पे आप हर एक टेम्पल पे जा सकते हो, पिक्चर वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी टेम्पल जो होती है ना, बुद्धिस्ट स्टाइल में बनी होती है, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है ना उनके हिसाब से होता है। आप यहाँ पर आकर ना फील ही नहीं करोगे कि आप गया में हो, आपको लगेगा ऐसा जैसे कहीं बुद्धिस्ट प्लेस जो है ना, जैसे कि आप कह लो बैंकॉक कह लो, नेपाल का कुछ एरिया, कुछ काठमांडू का एरिया, कुछ चाइना का एरिया, तो आपको ऐसा फील होगा। और इसकी जो खूबसूरती है ना, देखने में बनती है यार, यहाँ पे पिक्चर्स वीडियोग्राफी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसके ऊपर में बहुत सारी जो है अलग अलग कलर हैं, और अलग अलग मतलब बहुत सारी रिलीजियस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो मुझे उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, और लेकिन खूबसूरती वगैरह ये देख सकते हो आप, और बहुत ही मज़े आने वाले हैं अगर इस जगह पर आप एक्सप्लोर करते हो तो। तो गाइज, ये है वो जगह जहाँ पे मैं पार्किंग की बात कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटो स्टैंड भी हो गया ये बोधगया का, और यहाँ पर जो है ना लेफ्ट में देख सकते हो ये पूरा बस स्टैंड होगा, और ये जो सीधी गली जो दिख रही है वो जो है 80 फीट रोड होती है, ठीक है ना। यहाँ पर से आपको अंदर जाना होता है, देख सकते हो बोधगया का जो है डायरेक्शन उधर दिखाया गया, ये पूरा पीछे में देखोगे बस स्टॉप है, और यहाँ स्ट्रेट जो जा रहा वो 80 फीट रोड है। इसके बाद 80 फीट रोड ही जाकर कनेक्ट होता है स्टैचू स्ट्रेट से, ठीक है ना। और यहाँ का वेदर यार आज कमाल का हो रखा है। तो यहाँ से आपको राइट लेना है और आप पहुँच जाओगे सीधा बोधगया रोड पर, और बोधगया रोड पे भी ना आपको हर मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे ना एक अलग अलग टेम्पल दिखाई देगा, और सारे टेम्पल की अपनी ख़ास बात है। ये देख सकते हो यहाँ पर भी एक टेम्पल है जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वैसा ही है, सारे स्ट्रक्चर एक जैसे ही होते हैं।
तो गाइज ये है कुछ नज़ारा महाबोधि टेम्पल के आसपास का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अगर महाबोधि टेम्पल के अंदर जाना है तो मोबाइल वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आपको यहाँ पे जमा करा देना होता है। काउंटर बना हुआ है जिसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अंदर की फोटोज़ एंड वीडियोज़ निकालनी है तो आप कैमरा कैरी करना, ये आपको मोबाइल अलाउ नहीं करते, ठीक है ना। GoPro ले लो या DSLR कुछ लेकर जाओ, उसकी अलग चार्जेस है, वो पे करके वो आप कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कई सारी चीज़ें हैं जो कि रिलीजियस हैं, वो आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। और ये है यहाँ पर सारी दुकान इस तरीके से होती है। तो गाइस ये है नज़ारा जो कि आपको बिल्कुल फीलिंग देगा कि आप इंडिया में नहीं कहीं और आ चुके हो। तो गाइस बस यहीं तक था, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।